आज की वीडियो में मैं आपको लौंग के चमत्कारी उपाय और टोटके बताने जा रही हूँ। ये इतने खासम खास उपाय हैं जो आपकी बहुत सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और इनका चमत्कारिक प्रयोग बहुत ही कारगर साबित होता है। तो आइए जानते हैं लौंग के चमत्कारी उपाय और टोटके के बारे में जो आपके धन दे सकते हैं, आपको वशीकरण कर सकते हैं, भूत प्रेतों से मुक्ति दिला सकते हैं आपको, और बहुत सारे अनगिनत काम हैं जो लौंग की मदद से किए जाते हैं। बहुत से तांत्रिक लोग भी लौंग की क्रिया करते हैं और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत ही सरल उपाय जिनको करने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने लगता है। मैं हूँ आपकी डॉक्टर उमाश्री, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक करिए, जिससे इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, सदा खुशहाल रहें, मेरा आशीर्वाद उनके साथ हमेशा है। इसके अलावा जो भी यूट्यूबर्स हैं जो अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, उनका उनकी तरक्की होती रहे, भगवान उनका सदैव कल्याण करता रहे। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो बहुत काम का है। आपको मैं बताने जा रही हूँ वशीकरण का एक टोटका। इसको आप रवि पुष्य नक्षत्र हो, मतलब रविवार हो और पुष्य नक्षत्र हो, उस दिन आपको करना चाहिए। रवि पुष्य योग कभी कभी आता है और ये बहुत शुभ होता है। इस दिन आपको 7 लौंग लेनी है और उन्हें धूप देनी है और एक मंत्र बता रही हूँ, उस मंत्र का आपको जाप करके इसको अभिमंत्रित करना है। ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आपको जाप करना है। 21 माला या 31 माला या 51 माला आपको जपनी चाहिए। इसके बाद इस मंत्र को की आहूतियाँ देकर हवन भी कर सकते हैं। लौंग आपको सुरक्षित रख देनी है और आवश्यकता अनुसार एक लौंग पुनः 11 बार या 21 बार ये मंत्र पढ़कर आप जिसको खिला देंगे वो आपके वशीकरण उसका हो जाएगा। ये काम रविवार और मंगलवार के दिन विशेष प्रभावी रहता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रेत बाधा ने परेशान कर रखा है तो रविवार के दिन या ट्यूसडे के दिन स्नान करके धूप बत्ती जला लें और काले आसन पर बैठकर सामने 21 या 31 या 51 लौंग रख लें, धूप बत्ती के धुएं में उसको दिखाएं, लोबान भी छिड़क सकते हैं आप, और उसके धुएं में लौंग का शोधन करें। इसके बाद में इस मंत्र की 21 माला करें। मंत्र जप के बाद में माला लौंगों से स्पर्श करा दें, मतलब लौंग से टच करा दें, फिर उसको सुरक्षित रख दें। ये लौंग प्रेत बाधा दूर करने में सक्षम हो जाती है। इसके साथ ही मंत्र भी जपें, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः। ये मंत्र बहुत चमत्कारिक है। इस मंत्र की माला जपने से आपको बहुत ही लाभ होता है। तो आज मैंने आपको बताया लौंग का टोटका, दो टोटके बताए आपको, और ये लौंग जो है सम्मोहन में भी काम में आती है, वशीकरण के काम में आती है, उच्चाटन विद्वेषण रोगों का नाश करने, तंत्र मंत्र करने, सिद्धि करने, सुरक्षा संबंधी काम में, सभी में काम आती है। तो अन्य वीडियो में अन्य टोटके भी बताऊंगी आपको। तो तब तक के लिए विदा लेती हूँ और फिर हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ में। आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। ऐसी जानकारी शेयर भी करनी चाहिए, ना जाने आप जो जानकारी शेयर करते हैं किसका भला कर बैठे, और आपको आशीर्वाद भी मिलता है, आपके थ्रू मुझे भी आशीर्वाद की प्राप्ति हो जाती है। तो वीडियो देखने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।